हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बाइंड्री प्लस रिपर्चेस प्लान का डेमो देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो और वीडियो के एंड में हम लोग प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे हमारी कंपनी सभी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारा कंपनी का नाम डिजिटल सर्विसेज एंटरप्राइज है और हमारा ऑफिस सत्यनगर भुवनेश्वर उड़ीसा में उपस्थित है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बाइंडरी प्लस रिपर्चेस प्लान का डेमो दूंगा अगर आपको कोई भी और तरीके का प्लान यानी कि सिंगल लेग आर ओ वायवल मैट्रिक्स कोई भी कस्टमाइज प्लान का डेमो चाहिए तो आप मुझे एट नाइन टू सेवन सिक्स एट पर कॉल या व्हाट्सएप का डिटेल्स ले सकते हैं सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेमो यह है एडमिन डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल पीवी जनरेटेड इनकम टोटल मेंबर टोटल एक्टिव मेंबर टोटल पिन रिचार्ज टोटल जनरेटेड पिन टोटल मैचिंग इनकम टोटल रेफरल परसेंट इनकम टोटल रेफरल परचेज इनकम पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट टोटल पेड विड्रॉल अमाउंट करेंट विद्रोल वॉलेट बैलेंस और परचेजिंग वॉलेट बैलेंस की बॉक्स मिल जाती है ये बॉक्सेस पूरा आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है जैसा आपका प्लान होगा वैसा यहाँ आपका बॉक्सेस होगा यहाँ आपको ऊपर साइन आउट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है चेंज पासवर्ड से आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एसोसिएट्स में व्यू एसोसिएट्स में आपको कंपनी की ओवरऑल आईडी डिटेल्स मिल जाती है प्लान स्टेटस में आपको ये पता चलता है कि आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव एक्टिव यहाँ आपको सीरियल नंबर नंबर एसोसिएट एसोसिएट आईडी प्लान स्टेटस नेम पासवर्ड मोबाइल आई डी पेरेंट आई डी वॉलेट फंड वॉलेट ज्वाइनिंग डेट टाइम के साथ लॉग इन स्टेटस और लेजर का फील्ड मिल जाता है अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी और रिपोर्ट चाहिए तो आप हमसे बेझिझक ले सकते हैं लॉग इन स्टेटस का मतलब यह है कि आईडी डी लॉग इन के लिए एलिजिबल है या नहीं उसके बारे में पता चलता है अगर यूजर आई को लॉग इन करने से आपको ब्लॉक करना है तो एक्टिव में क्लिक कर पॉपअप में ओके आएगा उसको क्लिक कर दीजिए फिर वो आई डी लॉग इन नहीं होगी जिस भी आईडी का लेजर देखना चाहते हैं उसके लिए बस लेजर में क्लिक कीजिए उस आईडी का जो भी इनकम जनरेट हुआ होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा एडिट डिटेल्स में आपको यूजर का प्रोफाइल और बैंक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं ट्रीव्यू में आपको ओवरऑल ट्रीव्यू मिल जाती है अगर आप किसी भी आई डी का ट्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आई नंबर लिख सर्च में क्लिक कर दीजिए सर्च में क्लिक करते ही उस आईडी का ट्रीव्यू आपको मिल जाता है जनरेटेड पेउ में आपकी कंपनी में जो भी इनकम जनरेट हुई है वो आप देख सकते हैं इनकम टाइप के अकॉर्डिंग भी आप यहां पर लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं मान लीजिए मैं ऑल इनकम को सिलेक्ट करता हूं, डेट में बैक डेट सेलेक्ट करता हूँ और जो भी डेट देखना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते सर्च में क्लिक करते ही उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी इनकम जनरेट हुआ होगा वो आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा रेफरल परचेस पे आउट में आपको इस इनकम की पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल जाती रिवॉर्ड में भी आपको रिवॉर्ड अचीवर की लिस्ट मिलती है अभी कोई नहीं है क्योंकि रिवॉर्ड की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई है इसीलिए यूजर पैनल में जैसे ही आप विड्रॉल बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ आपको खुद से विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है क्यों क्योंकि एडमिन उसको हर वीक विड्रॉल देती है कई सारे अदर डेमो वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि कैसे यूजर अपना विड्रॉल खुद लगा सकता है ये कंप्लीटली आपके हाथ में है आप हमें जैसा बनाने बोलोगे वही हम आपको सॉफ्टवेयर में बना के देंगे चाहे आईएमपीएस एम विड्रॉल लगाना हो चाहे वो आप खुद से विड्रॉल देना चाहते हैं जैसे कि इस प्लान में है या आप यूजर को मैनुअली विड्रॉल करवाना चाहते हैं यूजर पैनल का भी डैशबोर्ड हर किसी को लगभग अलग अलग ही मिलता है करंट डेमो में एडमिन कैसे पेमेंट कर सकता है उस चीज को समझते हैं पे अमाउंट में क्लिक करते ही सिस्टम में जिन जिन लोगों का पेमेंट बना है और उनको एडमिन पेमेंट नहीं दिया है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है जिसको जिसको एडमिन देना चाहता है पेमेंट उसे सेलेक्ट कर जैसे ही आप पे बटन में क्लिक करते हैं ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पेड विड्रॉल लिस्ट में आ जाती है मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स में पे किया हूं इसीलिए ये कुछ रिपोर्ट पेड पेमेंट लिस्ट में चला गया है पेड पेमेंट लिस्ट में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है जिसको जिसको आप पे किए यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स सब मिल जाता है मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स लेकर जैसे ही पेंडिंग में क्लिक करते हैं विड्रॉल पेड हो जाता है जो कंपनी एक वीक या एक मंथ में विड्रॉल देती है वही कंपनी इस मेथड को यूज करती है यह प्रोसेस आसान इसीलिए होता है क्योंकि जो भी लिस्ट होती है आप एक्सपोर्ट कर बैंक के फॉर्मेट में बैंक को दे सकते हैं तो बैंक खुद ही विड्रॉल प्रोसेस कर आपको सक्सेस ट्रांजेक्शन डिटेल दे देती है उसी ट्रांजेक्शन नंबर को आप रिमार्क्स में पुट कर मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर लिख कर पेंडिंग में क्लिक करते हैं क्लिक करते ही वो सक्सेस हो जाता है और यूजर को विड्रॉल हिस्ट्री में डिटेल्स मिल जाती है उस पेमेंट से रिलेटेड इधर एडमिन को देखने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पूरा यूजर पैनल को भी देखेंगे जनरेट ई पिन में क्लिक करने पर आपको ई पिन जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है ई e पिन कितना जनरेट करना है वो लिखकर आप पैक सेलेक्ट कर सबमिट करते ही ई पिन जनरेट हो जाता है अनयूज ई e में हमेशा बाय डिफॉल्ट डेट करेक्टेड होता है सो डेट रेंज चूज कर आप जो भी unused e होती है कंपनी में उसको देख सकते हैं e कर नंबर और सेंड बटन में क्लिक करने पर ई e यूजर के पैनल में सेंड हो जाता है यूज ई e में आपको यूज ईपिन e की पूरी की पूरी रिपोर्ट मिलती है डेट के अकॉर्डिंग आप डेट रेंज चूज कर रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं सर्च करते ही आपको उस डेट के अकॉर्डिंग लिस्ट मिल जाती है यूजर ईपीन e में यूजर जो भी एक दूसरे को ईपीन e सेंड करता है और आईडी एक्टिवेट होती है उसकी आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है अब हम लोग यूजर एंड को देखते हैं फिर एडमिन के बाकी ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि बाकी ऑप्शंस रिपर्चेज में यूज होता है इसीलिए यह है यूजर डैशबोर्ड जहां सारा बॉक्सेस प्लान के अकॉर्डिंग से सेट होता है अगर कुछ बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग एड ऑन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं इधर आईडी नेम और यूजर आईडी मिल जाता है और यहाँ से आप अपना रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं लिंक शेयर करने के बाद कोई भी यूजर अपने आई को रजिस्टर कर सकता है यहाँ सेटिंग में प्रोफाइल सेटिंग में यूजर इंफॉर्मेशन अपना देख सकता है और जो भी डिटेल्स यूजर एडिट करना चाहता है वो डिटेल्स एडिट कर सबमिट करने से डिटेल्स भी चेंज हो जाती है अकाउंट सेटिंग में यूजर अपना बैंक डिटेल्स ऐड या अपडेट कर सबमिट कर सकता है प्रोडक्ट में क्लिक करते ही कंपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती है यहाँ ये पूरा एडमिन मैनेजेबल होता है चलिए एडमिन में आते हैं एडमिन में देखिए प्रोडक्ट में क्लिक करते ही ऐड प्रोडक्ट में आपका नया प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहां और यहां से आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं नीचे जो भी प्रोडक्ट ऐड किया गया है उसकी भी लिस्ट मिल जाती है आपको जो ऐड किए हुए प्रोडक्ट है, उसको भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो बस एडिट बटन में क्लिक कीजिए या फिर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन में क्लिक कर उस प्रोडक्ट को भी आप डिलीट कर सकते हैं मान लीजिए किसी भी यूजर को प्रोडक्ट को परचेज करना है उसके लिए उसे बाय नाउ में क्लिक करना होता है अब यहाँ यूजर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अगर परचेजिंग वॉलेट जो डैशबोर्ड में है आप यहाँ जो देख पा रहे हैं अगर वहाँ बैलेंस होता है तभी वो परचेजिंग वॉलेट से परचेज किया जा सकता है जैसे कि परचेजिंग वॉलेट में अभी एक लाख बयालीस हजार चार सौ तीस रुपए है प्रोडक्ट में बाय नाउ में क्लिक कर एमओपी में वॉलेट चूज करना है और फिर परचेजिंग फ्रॉम में भी वॉलेट चूज करना होता है सबमिट में क्लिक करते ही प्रोडक्ट बाय हो जाता है और वॉलेट बैलेंस में दो हजार का प्रोडक्ट होने के कारण दो हजार रुपए डिडक्ट हो जाता है एडमिन में ऑर्डर लिस्ट में पेंडिंग ऑर्डर में इसकी लिस्ट मिल जाती है क्योंकि वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट हुआ है इसीलिए अटैचमेंट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है एडमिन अभी यहाँ प्रोडक्ट को पेंडिंग में अप्रूव कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है पेंडिंग में क्लिक कर पॉप में ओके okay कर क्लिक कर रिमार्क्स में डिस्पैच का डिटेल्स लिख कर सबमिट करने से प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है प्रोडक्ट अप्रूव होने के बाद एक्सेप्टेड लिस्ट में चला जाता है जो आप एक्सेप्टेड बटन में क्लिक कर चेक कर सकते हैं रिजेक्टेड बटन में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको रिजेक्टेड ऑर्डर की डिटेल्स मिल जाती है जो आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं ये तो हो गया वॉलेट से परचेज अगर कोई यूजर बैंक से प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो बाय नाउ में क्लिक कर एमओपी में बैंक फोन पे पेटीएम जो जिसे पे करना चाहता है वो पेमेंट मेथड चूज कर सकता है परचेजिंग फॉर्म में भी मनी ट्रांसफर चूज कर ट्रांजेक्शन नंबर और स्क्रीन अपलोड कर सबमिट कर सकता है कंपनी यानी एडमिन यानी कि आप अपना बैंक डिटेल्स या कॉर्पोरेट बैंक डिटेल्स या फोन पे या गूगल पे कुछ भी आप यहां पर स्क्रीन पर रख सकते हैं यानी कि शो करवा सकते हैं ये डेमो वेबसाइट है इसीलिए यहां से इंफॉर्मेशन हटाया गया है आप यहां पर अपना बैंक डिटेल्स फोन पे या बाकी सब चीजों जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो स्क्रीन में यूजर को दिखा सकते हैं सबमिट सक्सेसफुल होते ही ये एडमिन में पेंडिंग लिस्ट में आ जाता है व्यू करने पर स्क्रीन चेक कर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं इसी तरह सिस्टम में बिना ई कॉमर्स भी आप कुछ प्रोडक्ट से रीपरचेज प्लान स्टार्ट कर सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज हुआ है उसकी पेंडिंग या अप्रूव या रिजेक्ट लिस्ट ये आपको मिल जाता है इनरोलमेंट में आप सिस्टम में जो भी इनएक्टिव आईडी है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं बस आईडी नंबर लिख एक्टिवेशन पिन पेस्ट करना होता है और फिर सबमिट में क्लिक करना होता है बस आईडी एक्टिवेट हो जाती है माई नेटवर्क में आपको चार सब मेनू ऑप्शंस मिलता है माई रेफरल में आपको डायरेक्ट लोगों की डिटेल्स मिल जाती है लेफ्ट डाउनलाइन में लेफ्ट टीम की डिटेल्स मिल जाती है राइट डाउन लाइन में राइट right टीम की डिटेल्स मिल जाती है और ट्रीव्यू में आपको आपका खुद का ओवरऑल ट्रीव्यू मिल जाता है आप किसी भी आईडी में चाहे वो लेफ्ट हो हो या राइट right उसमें क्लिक कर उसकी भी नीचे की ट्री देख सकते हैं ई पिन में अनयूज ई पिन में जो भी आपके पास बचे हुए ई पिन है उसके लिस्ट आपको मिल जाती है मान लीजिए आपको किसी भी आईडी को अपनी ई पिन सेंड करनी है तो बस नीचे मेंबर आईडी लिखकर सेंड में क्लिक कर दीजिए ई पिन जिसको भेजना चाहते हैं उसको चला जाएगा जी पिन में जो भी पिन यूज हुई है उसकी लिस्ट आपको मिल जाती है और आप यहाँ पर यह भी चेक कर सकते हैं कि आप उसको किस आईडी से एक्टिवेट करने के लिए यूज किए हैं क्योंकि इस सिस्टम में रिपर्चेज है तो फंड तो होगा ही उसी के लिए फंड रिक्वेस्ट ऑप्शन भी बनाया गया है फंड रिक्वेस्ट में भी एडमिन अपना बैंक डिटेल्स फोन पे गूगल पे यहाँ अपडेट करवा सकता है परचेजिंग वॉलेट में फंड एड करने के लिए अमाउंट एम ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर स्क्रीन डालकर सबमिट करना होता है सबमिट करते ही यह एडमिन के फंड रिक्वेस्ट में आ जाता है और आप जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ शो होती है व्यू में क्लिक कर आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट यूजर सही अपलोड करता है तो पेंडिंग में क्लिक कर ओके में क्लिक कर अप्रूव कर सकते हैं अप्रूव करते ही यह वॉलेट में फंड ऐड हो जाता है और रिजेक्ट कर देने पर यूजर को फंड ऐड नहीं होता है एक्सेप्टेड बटन में क्लिक कर आप एक्सेप्टेड फंड लिस्ट देख सकते हैं जहां पूरा एक्सेप्टेड डिटेल्स आपको मिल जाता है रिजेक्टेड बटन में क्लिक कर आप रिजेक्टेड फंड लिस्ट को पूरा देख सकते हैं यूजर में फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री में आपको फंड रिक्वेस्ट डिटेल्स मिल जाती है फंड ट्रांसफर से आप परचेजिंग फंड को किसी को भी भेज सकते हैं बस यूजर आईडी लिख कर अमाउंट डालकर सबमिट बटन में क्लिक करना होता है बस इतना करते ही फंड उस यूजर को चला जाता है और ट्रांसफर हिस्ट्री में आपको जो भी फंड आपने किसी को भी भेजा है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इनकम में आउट लेजर में आपको अर्निंग डिटेल्स मिल जाती है क्योंकि इस आईडी में ज्यादा अर्निंग नहीं है तो मैं दूसरी आई को आपको ओपन करके सबका रिपोर्ट को दिखाता हूँ पे आउट लेजर में आपको पूरा पेआउट डिटेल्स मिल जाता है कब कितनी इनकम हुई है रेफरल परसेंट में इस इनकम से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रेफरल परचेज में आपको इस इनकम से रिलेटेड भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मैचिंग इनकम और रिवॉर्ड इनकम इसी तरह से आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है रिपोर्ट में आपको पूरा मैचिंग रिपोर्ट मिल जाता है जिससे हर यूजर अपनी प्रोग्रेस को समझ सकता है विड्रॉल हिस्ट्री में आपको पूरा विड्रॉल हिस्ट्री मिल जाता है कि कब कंपनी आपको कितना पैसा दी है ये तो हो गया पूरा यूजर का एडमिन की बात करें तो मान लीजिए आप अपनी आईडी में फंड ऐड करना चाहते हैं या किसी से कैश रिसीव किए हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली उसको भेजना चाहते हैं आप एडमिन से दूसरी आईडी में फंड भेज सकते हैं आप एड फंड में क्लिक कीजिए यूजर आई डी अमाउंट वॉलेट चूज कर सबमिट में क्लिक कर दीजिए बस इतना करते ही वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है जैसे इसमें एक हजार रुपए परचेजिंग वॉलेट में क्रेडिट हो चुके हैं और एडमिन फंड ट्रांसफर हिस्ट्री में आप पूरा रिपोर्ट को देख सकते हैं यूजर टू यूजर जो भी फंड ट्रांसफर हो रहा है उसकी रिपोर्ट आपको यूजर टू यूजर फंड ट्रांसफर में मिल जाता है और लास्टली डैशबोर्ड न्यूज़ में आप कोई भी न्यूज़ डैशबोर्ड में रन कर सकते हैं यह कंप्लीट डेमो बाइनरी प्लस रिपर्चेस प्लान का जहां आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूं अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है पहली कि आप अपना प्लान खुद से बना ले जैसे भी आपको प्लान बनाना है वो बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं एट नाइन टू सेवन सिक्स पर आप जब अपनी प्लान को खुद से डेवलप करते हैं चाहे वो हो, हो, जब आप प्लान भेजते हो हम आपसे डिस्कस करते हैं और फिर आपको रेट कोटेशन देते हैं मतलब इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है ये कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम बीस हजार रुपए से स्टार्ट होता है कोई फिक्स नहीं होता कि इसका रेट कितना होगा ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी क्वालिटी स्ट्रेंथ और साथ ही साथ रिलायबिलिटी इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फ्रेश कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं क्योंकि जब तक इन सब के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाओगे इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते यह भी अफोर्डेबल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो सच में अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं पांच हजार दस हजार में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम ये सब फीचर्स आपको नहीं दे सकती है बस एडमिन पैनल यूजर पैनल वेबसाइट बनाना ही सब कुछ बिल्कुल नहीं होता बैक में सब फीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए तो अगर आप अपना प्लान रेडी किए हैं और अगर उस प्लान में क्या खर्च आएगा ये जानना चाहते हैं तो अभी मुझे 8, 9, 2, 7, 6, 5, 6, 3, 6, पर कीजिए लेकिन अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं हम आपको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं जो बीस हजार रुपए से स्टार्ट हो जाता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको पचास से भी ज्यादा पीडीएफ में शो कर रहा हूँ जिसमें बाइंड्री का प्लान है बहुत सारे बाइंड्री प्लस रिपर्चेज इंक्लूड है फर्स्ट तो देखा जाए तो उनचालीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए की कॉस्टिंग होती है जिसमें एडमिन पैनल यूजर पैनल रिपर्चेज में आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट एडमिन में ऐड कर सकते हैं सॉपी या फ्रेंचाइजी भी आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्रंट एंड वेबसाइट और फ्री थ्री हंड्रेड एम बी वी पी एस होस्टिंग स्पेस आपको प्रोवाइड की जाती है जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो उसमें कोई भी टेक्निकल एरर आता है वो हम आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देते हैं अगर आप नया कुछ भी फीचर्स इंक्लूड करते हो अपने सॉफ्टवेयर में तो वो चार्जेबल होता है नीचे पी में ज्वाइनिंग और प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर आपको सेम प्लान बनाना है तो आप इसी को परचेस कर सकते हो फिक्स प्राइस में नेक्स्ट पीडीएफ में बाइनरी का प्लान है जहां पे उन्नीस की कॉस्टिंग है जिसमें एडमिन पैनल यूजर पैनल फ्रंट एंड और तीन सौ का फ्री वीपीएस स्पेस प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ हेल्प डेस्क इंक्लूडेड होता है सर्विस सभी सॉफ्टवेयर के लिए सेम ही है जो भी एग्जिस्टिंग है उसमें कोई भी एरर आता है तो हम आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देते हैं और कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो वो चार्जेबल होता है क्या चार्जेस होगा वो तो फ्यूचर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है वो भी नॉमिनली रहता है प्लान ये देख सकते हैं कि ये पूरा बाइनरी है इसी तरह बीस हजार में आपको रेडी टू यूज प्लान मिल जाएगा नेक्स्ट आर में भी आपको बीस हजार रुपये से शुरू हो जाता है और इसी तरह से पूरे आपको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे चाहे वो इंसेंटिव प्लान हो हेल्पिंग प्लान हो ऑटोपल प्लान हो सिंगल लेगो या क्रिप्टो प्लान हो बाइनरी या बाइनरी प्लस रिपर्चेज हो अगर आपको इन सब पी का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे एट एट पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए और यह जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस तरह के प्लान का पीडीएफ देखना चाहते हैं अगर आपको बाइनरी या जनरेशन का देखना है तो आप मुझे बाइनरी या जनरेशन लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए या अगर आपको आर का देखना है तो आप मुझे आर ओ मैसेज कर, कर दीजिए जो भी आप मुझे मैसेज करोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा चाहे वो रेडी टू यूज प्लान हो या फिर कस्टमाइज प्लान हो हर सॉफ्टवेयर में आपको सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी क्वालिटी स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखा जाता है तो देर किस बात की अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप मुझे 8927656368 एट पर कॉल या व्हाट्सअप कीजिए और अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत कीजिए